तो जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू लॉग इन, यू हैव टू लॉग इन फ्रॉम अ सिस्टम. मुझे उस टाइम पे ये नहीं कोई बोलेगा मैम हमने मोबाइल से क्लास लगाई है. ओके, सो इन द फिफ्थ पीरियड ज्वाइन द क्लास ऑन योर लैपटॉप्स और योर कंप्यूटर, सो दैट साइड बाय साइड यू पीपल कैन डू द प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल करोगे क्लास में, आई विल आस्क यू टू शेयर द स्क्रीन, तो आप अपना प्रैक्टिकल मुझे प्रेजेंट करोगे. ओके, इन द फिफ्थ पीरियड, सो गेट रेडी विद योर सिस्टम्स. ओके, फोर्थ पीरियड के बाद 10 मिनट्स की ब्रेक आती है. So in that 10 minutes you have to on your system and open the notepad, right? Chalo, let's start now. Okay, so last week we did till we have discussed the attributes of body tag. Yes. After that we discussed BR tag also. BR tag ho gaya hamara? Yes or no? Okay, so now we are going to do the rest of the tags. We discussed the attributes of body tag. Kaun kaun se attributes humne discussed kare? Body, BG color. BG color is used to give background color of the web page. Text is used to give foreground color of web page. Okay, then we discussed background attribute also. Background and BG color will not be working together. दोनों में से एक ही चलेगा एक टाइम पे, तो ये भी आपको बॉडी के अंदर ही लगाना है. अगर आप बैकग्राउंड लगा रहे हो तो हेयर यू हैव टू गिव सम इमेज. हम इमेज का पाथ देते हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया था. We will give the path of the image. For example, like this, and you can give text color along with it. Any doubt in these two lines to anyone? Example में आप ऐसे दे सकते हो, लेकिन जब practical करोगे ये चलेगा ही. इमेज कहाँ पड़ी है, इमेज का पाथ देना पड़ेगा. वी हैव टू टेक द पाथ ऑफ द इमेज. ओके, सो दिस इज अ पाथ ऑफ इमेज, राइट? देन आई डिस्कस द टैग बीआर. रिमेंबर बीआर स्टैंड्स फॉर, व्हाट इज द यूज ऑफ लाइन ब्रेक टैग? इट इज यूज्ड टू गिव ब्रेक्स. It is used to shift text to the next line. Space देने के लिए नहीं है. Speaking wrong, okay? BR tag is used to shift the line to the next line. आपका text next line पे shift हो जाएगा. When you want to hit enter, so enter key will not work in the HTML. So we have to give enter using a BR tag. How many students? रूम नंबर क्या है? टोटल स्टूडेंट्स कितने आपकी क्लास के? 49. 49 माइनस 50 करियो होंगे. क्लियर? सो इफ यू आर राइटिंग एनी टेक्स्ट, हेलो हाउ आर यू, अगर आप इसके साथ टेक्स्ट लिखोगे एंटर करके, इट विल नॉट गेट प्रिंटेड लाइक दैट. इन ऑर्डर टू शिफ्ट द लाइन टू अ नेक्स्ट लाइन, वी विल यूज हियर बीआर टैग एंड देन यू विल गिव योर ओके लाइक दिस. यू हैव टू गिव अ बीआर. सो नाउ यू कैन यूज एज मैनी नंबर ऑफ बी आर इन दी वेब पेज, जितनी भी आपको एंटर चाहिए. सो एज मैनी नंबर ऑफ बी आर यू कैन यूज. ओके, एनी डाउट टिल नाउ? दिस वॉज जस्ट द लास्ट लेक्चर हमने जो हमने डिस्कस किया था. एनी डाउट? सबको क्लियर है? श्योर? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टैग. द
The next tag is P tag. P stands for paragraph. P stands for paragraph. It is a container tag. P is a container tag. What do you understand by the term container tag? Which is having both opening as well as closing. तो इसमें आपके पास P start भी होगा और P end भी होगा, right? And whatever the text you will write inside the P tag, that will act as a paragraph. अगर आप एक normal lines लिख रहे हैं and you want to make that text as a paragraph form, आपको paragraph form बनाना है, तो हम कौन सा tag use करेंगे? P tag. P tag is container tag. That means we have to end it. Okay. Now there is only one. ये syntax लिखा है मैंने इसका. Syntax of P tag. Okay. Then the attribute of P tag. There is only one attribute that can be used inside the P tag. Align. Align. The values of a line can be left, right, and center. तीन ही values हो सकती हैं इस line attribute की. Left, center, right. इसमें से जो default value है, that is left. डिफॉल्ट वैल्यू मीन्स अगर आप पी के अंदर अलाइनमेंट सेट नहीं करते हो, इफ यू विल नॉट सेट द अलाइनमेंट अंडर द पी टैग, बाय डिफॉल्ट आपका पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे आएगा. बाय डिफॉल्ट द पैराग्राफ विल बी लेफ्ट अलाइंड. इफ यू वॉन्ट टू मेक योर पैराग्राफ इन द सेंटर, यू हैव टू यूज पी अलाइन इक्वल टू सेंटर. एंड इफ यू विश टू यूज टूवर्ड्स द राइट साइड, तो P align equal to right. जो भी अलाइनमेंट आप सेट करोगे, आपका पैराग्राफ वहां पे फ्लो करेगा. अगर आप P के अंदर align attribute नहीं यूज करोगे, आप सिंपली ऐसे ही करोगे, तो इसका मतलब है आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे अलाइन हुआ होगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट है. ओके. अब P tag means it marks the beginning of a paragraph. आपको पता चलता है कि यहाँ पे मेरा पैराग्राफ एक स्टार्ट हो रहा है. ओके. एंड पी टैग ऑटोमेटिकली अपने ऊपर एक लाइन खाली छोड़ेगा, और जहां पे पी टैग आप बंद कर रहे हो उसके बाद एक ब्लैंक लाइन. सो दैट मीन्स आपको बी आर लगाने की जरूरत नहीं है. पी टैग ऑटोमेटिकली ब्रेक्स दी लाइन. लेकिन अगर आपको ज्यादा स्पेस चाहिए, फिर तो आपको बी आर देना ही पड़ेगा. ओके. नाउ अंडरलाइन द डेफिनेशन. पी टैग इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ. द टेक्स्ट दैट यू टाइप बिटवीन द पी टैग is has by default left alignment. You can change the alignment with the help of the align attribute. The align attribute means the alignment of the text within a paragraph can be changed. So syntax dekho, P align equal to whatever the content you have to give. So align equal to left, right or center. Okay. Ab next page pe iska output dekho. पहले उन्होंने किया पी अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, तो आपका पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे आ रहा है. पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे आ रहा है. जाग जाओ, गो एंड ड्रिंक वाटर. यस. एंड इफ यू विश टू अलाइन द पैराग्राफ ऑन द राइट साइड, तो आप क्या लगाओगे? पी अलाइन इक्वल टू राइट. अगर आपको पैराग्राफ सेंटर में रखना है, तो पी अलाइन इक्वल टू सेंटर. क्लियर? एनी डाउट इन द पी टैग? एनीवन? नो मैम. पी टैग? नो मैम. नो मैम. आप ऐसे दे सकते हो सिंपल, एंड जस्ट राइट इन द डिस्क्रिप्शन दैट इट इज हैविंग ओनली वन एट्रीब्यूट अलाइन. द वैल्यूज ऑफ अलाइन कैन बी लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. द लेफ्ट अलाइनमेंट इज द डिफॉल्ट. द पी टैग इज क्लियर बच्चे? नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द फॉर्मेटिंग टैग्स. अब आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है दी क्लोजिंग ऑफ पी टैग मे बी ओमिटेड, बट हम इसको कंटेनर ही बनाएंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट इज
ओके, यू कैन सिंपली लुक एट द एग्जांपल्स. अगर आपको सपोज करो लेफ्ट साइड पे आपका टेक्स्ट आ रहा है, तो आपने सिंपली यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा एंड यू हैव क्लोज द पी टैग, तो दिस मीन्स आपका पैराग्राफ कहाँ पे रहेगा, वेब पेज के लेफ्ट साइड से. और अगर आप पी ए लाइन इक्वल टू लेफ्ट लिखते हो, इसका भी मतलब है कि ये सेम आउटपुट देंगे, चाहे आप ऐसे कर रहे हो चाहे आप ऐसे कर रहे हो. अलाइन नहीं भी लगा रहे तो बाय डिफॉल्ट इसने अलाइन इक्वल टू लेफ्ट ही लेना, ठीक है. अगर आपका टेक्स्ट सेंटर में आए तो आप क्या लगाओगे, ऑल राइट. एंड इफ द टेक्स्ट इज टुवर्ड्स दिस, लाइक दिस. क्लियर है ये. नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द वेरियस फॉर्मेटिंग टैग्स. फर्स्ट टैग इज बी. बी स्टैंड्स फॉर, इट इज अ कंटेनर टैग. द यूज ऑफ बी टैग, इट इज यूज टू मेक द टेक्स्ट अपीयर इन बोल्डर फॉर्म. Used to appear the text in bold form. आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाएगा जो भी टेक्स्ट आप बी टैग के अंदर लगाओगे. सो दिस इज अ सिंटैक्स ऑफ बी टैग. क्लियर. बी के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे दैट एक्ट्स एज अ बोल्ड. नेक्स्ट है, ये सारे के सारे फॉर्मेटिंग टैग्स है बच्चे. आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था स्ट्रक्चरल टैग्स कौन से होते हैं. Structural tags are those which forms the structure of HTML document. So HTML document का structure कौन बनाता है? HTML head, body, title. और मैंने comment tag add करवाया था बीच में, right? तो वो हमारे structure tags हैं. उसके अलावा जितने tags हैं वो सारे क्या हैं? Formatting tags. Formatting tag means which helps in the formatting of a text. जिसकी हेल्प से आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हो. ऑल राइट. नेक्स्ट इज आई. आई टैग स्टैंड फॉर इटैलिक. व्हेन यू वांट योर टेक्स्ट टू अपियर इन द इटैलिक फॉर्मेट, इटैलिक मीन्स थोड़ा सा सिलांटिंग आएगा टेक्स्ट आपका, सो दैट इज अगेन इट इज अ कंटेनर टैग. The syntax is I tag text I close. All right. So this is italic. Clear है? अगर आप चाहते हो, अब जैसे इसका output क्या आएगा? Suppose करो इसके अंदर मैंने text दिया. I am giving B and I have given my name. Okay. So it will come in the bold form like this. अगर मैं दे रही हूं अपना अपना नेम इटैलिक में, तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा. ओके. द नेक्स्ट टैग इज यू टैग. यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइन. इट इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग. The syntax is U tag start किया, text डाला और U tag को close किया. अब अगर मैं इसके अंदर अपना name डालू ऐसे, तो that means the text will appear in underline. The output is clear. ये इसका output आ रहा है, ये इसका output आ रहा है, ये इसका output आ रहा है. बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. नहीं नहीं हम इकट्ठे भी यूज करेंगे, बताती हूँ मैं. यस, एनी डाउट मैम? अंडरलाइन इज आल्सो इन कंटेनर टैग ना? यस यस, दीज आर कंटेनर टैग्स. मैम ये तीनों फिर फॉर्मेटिंग टैग्स हैं? हाँ जी, ये फॉर्मेटिंग है क्योंकि आपके टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग हो रही है. यू आर एबल टू फॉर्मेट द टेक्स्ट. Okay.
फिजिक्स लैब में क्या करना है? क्लियर है बच्चे? एनी डाउट? श्योर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी कैन यूज दिस टेक्स्ट कलेक्टिवली टुगेदर इन अ वन लाइन. फॉर एग्जाम्पल राइट वन क्वेश्चन हियर. राइट द एचटीएमएल कोड. कर दूं मैं इसको रेस. राइट द एचटीएमएल कोड. To display the text in bold and underline. Write the HTML code, CODE code, to display the text computer. To display the text computer in bold and underline form. In bold and underline form. टेक्स्ट आपका बोल्ड भी शो हो और अंडरलाइन भी शो हो तो हम कैसे यूज करेंगे अब इसको? अब देखो मैंने क्या बोला है, बोल्ड एंड अंडरलाइन. तो पहले मैंने बोल्ड टैग खोला, देन यू विल ओपन अंडरलाइन टैग. किस पे लगानी है ये फॉर्मेटिंग? ऑन द वर्ड कंप्यूटर. नाउ हियर व्हाट मैटर इज हाउ यू आर ओपनिंग द टैग एंड हाउ यू आर क्लोजिंग द टैग. नोट में लिख लो, द ऑर्डर ऑफ क्लोजिंग टैग विल बी इन रिवर्स ऑर्डर दैट यू हैव यूज इन द ओपनिंग ऑर्डर. ठीक है, जैसे आपने टैग्स ओपन करे हैं टैग्स क्लोज कैसे होंगे? रिवर्स ऑर्डर में. द क्लोजिंग टैग्स विल बी इन द रिवर्स ऑर्डर. मतलब जो सबसे पहले खुला था वो सबसे बाद में बंद हो, जो सबसे बाद में खुला है वो सबसे पहले बंद हो जाए. ठीक है, तो हियर यू टैग विल बी क्लोज फर्स्ट एंड देन यू विल क्लोज बी टैग. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक लाइन में लिख लो चाहे नेक्स्ट लाइन में लिख लो. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, बोल्ड अंडरलाइन गिव द टेक्स्ट अंडरलाइन क्लोज बोल्ड क्लोज इन सिंगल लाइन ऑल्सो. आप पहले यू टैग भी खोल सकते थे, बाद में बी टैग खोल सकते थे, वो भी करेक्ट है. चाहे पहले बी ओपन कर लो चाहे पहले यू ओपन कर लो, इट हार्डली गिव्स एनी डिफरेंस. आप ऐसे भी दे सकते हो, आप सिंगल लाइन में भी दे सकते हो. द ओपनिंग टैग विल बी इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द क्लोजिंग टैग. And this is called nesting of tags. This is called nesting. Nesting means when one tag is inside the another tag. That is called nesting. एक tag के अंदर कोई दूसरा tag आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? Nesting. When one tag is inside the another tag, that is called nesting of tags. The tags should be closed in the reverse order of its opening. Okay, the difference is clear here. Any doubt? Yes, bachche, any doubt to anyone? Bold, italic, underline, all the three tags are clear. Next, the next two tags are SUP, SUB. Again, these two are formatting tags plus these are container tags. ये कंटेनर टैग्स भी हैं और ये फॉर्मेटिंग टैग्स भी हैं. ये सब इनके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो. ठीक है, एसयूबी कंटेनर टैग है, दैट मींस आई हैव टू क्लोज दिस आल्सो. एसयूबी इज आल्सो कंटेनर टैग, दैट मींस आई हैव टू क्लोज. सिंटैक्स, एसयूबी टैग ओपन किया, एसयूबी टैग क्लोज किया. सेम वे एसयूबी टैग ओपन किया, एसयूबी को क्लोज किया. एसयूपी स्टैंड्स फॉर सुपरस्क्रिप्ट. SUB stands for subscript. Ma'am, your board is blurred. Bold and चाहे मैं तीनों दे दूं इकट्ठे, फिर bold, italic, underline तीनों ओपन कर लेते हैं. ठीक है,
एसयूबी सुपरस्क्रिप्ट एसयूबी सबस्क्रिप्ट बोथ आर कंटेनर टैग बोथ आर फॉर्मेटिंग टैग. नाउ सुपरस्क्रिप्ट मींस व्हेन यू आर हैविंग समथिंग लाइक दिस. आप मैथ्स में ये चीज करते हो टू रेस टू पार समथिंग ए रेस टू पार बी. व्हेन देयर इज समथिंग रेस टू पार दैट इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट. व्हाट डू वी कॉल इट? सुपरस्क्रिप्ट. और अगर मैं ऐसे बोलू ए स्क्रिप्ट ए के बेस में टू ठीक है सो दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. क्लियर है? सुपरस्क्रिप्ट समथिंग रेज टू पार. सबस्क्रिप्ट मीन्स व्हेन समथिंग इज इन दी बेस. किसी के बेस में कुछ है नीचे कुछ है वैल्यू कोई तो वो हम कैसे देंगे? सबस्क्रिप्ट टैग के साथ. ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अगर आपने ऊपर कुछ चेंज करना है या नीचे आपकी वैल्यू चेंज हो रही है कुछ ऊपर आ रहा है कुछ नीचे आ रहा है उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टैग्स को यूज करेंगे. डेफिनेशन अंडरलाइन करो बुक में से फिर मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ. एसयूबी टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एज सबस्क्रिप्ट. द सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट विल मींस इट इज अ हाफ अ कैरेक्टर हाइट बीनीथ द प्रॉपर नंबर. बीनीथ मींस द बेस पार्ट. Whatever the thing is there, that will be in the base. उसको हम क्या बोलते हैं? Beneath. Okay. Superscript. The tag that is used to display the text as superscript. The superscript tag will appear half a character height above the other character. The definition is clear. Now let's look at the example. See, you used to write the formula. ओके ए प्लस बी का होल स्क्वायर. व्हाट इज अ फॉर्मूला? हाँ जी बताओ व्हाट इज अ फॉर्मूला? मैथ्स में किया है आपने. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी यही फॉर्मूला होता है. भूल गए? लुकिंग एट ईच अदर्स फेस. फोर्थ फिफ्थ मैथ्स में आइडेंटिटी नहीं करते ये वाली आप. ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं किया अभी आप लोगों ने ये. ओके लीव दिस सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. ओके दिस इज ए स्क्वायर मतलब ए रेस टू पार है तो रेस टू पार के लिए हम क्या लिखते हैं? सब टैग सॉरी एसयूपी टैग सुपरस्क्रिप्ट. दिस इज अ सुपरस्क्रिप्ट. अब कैसे कोडिंग करेंगे ध्यान से देखना बाद में नोट डाउन कर लेना पहले बोर्ड पे देखो. एवरीवन हाउ टू डू द कोडिंग. दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट तो नॉर्मल टेक्स्ट को आपने ऐसे लिख देना. कहाँ पे लिखेंगे? बॉडी टैग के अंदर. पता है ना कंटेंट बॉडी टैग में देते हैं. दिस इज रेस टू पार. रेस टू पार के लिए टैग होता है एस यू पी. किसको रेस टू पार बनाना है? ए तो नॉर्मल टेक्स्ट है. रेस टू पार किसको बनाना है? टू को बनाना है. टू देन एस यू पी क्लोज मतलब टू को हमने रेस टू पार करना है इसीलिए मैंने टू को एस यू पी टैग के अंदर डाला. ओके अब उसके बाद क्या आ रहा है? ये तो नॉर्मल है. एक्सक्यूज मी मैम. मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग एंड योर वीडियो इज फ्रीज्ड. यस मैम.
Wait. अब बताओ. Now the voice is audible. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, your voice is cracking. आप बताओ. Yes, बच्चे. Boris. No, ma'am. अभी भी आवाज नहीं आ रही है. Or the voice is coming. Yes, students, no, let me know. No, ma'am. Ma'am, बहुत ज़्यादा crack कर रही है. Ma'am, voice कभी कभी आती है, ma'am, फिर से दोबारा crack करनी शुरू हो जाती है. And video भी कभी कभी चलती है और दोबारा freeze हो जाती है. अभी video आ रही है. अभी बताओ. नो मैम, मैम फ्रीज होगी दोबारा. मैम स्क्रीन पे हमें ये शो होता है कि नैंसी अरोड़ा मैम नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो. नाउ टेल. अब स्क्रीन आई है. नो मैम. मैम स्क्रीन तो आ रही है पर ब्लर आ रहा है बोर्ड भी. मैम आवाज भी क्रैक हो ही जा रही है बार बार. चलो अभी आप पहले एग्जांपल देख लो. आई विल रिपीट दिस एग्जांपल इन द फिफ्थ पीरियड अगेन. ओके हो गया ये. थैंक यू बोल देना. बच्चे जस्ट लुक एट द एग्जांपल. आई विल रिपीट अगेन इन द जूनियर लैब. ओके इन द फिफ्थ पीरियड. ओके सो सब यू एस यू पी क्योंकि 2 raised to power आ रहा है प्लस बी. बी इज अ नॉर्मल टेक्स्ट. सो यू विल राइट बी लाइक दिस. देन अगेन यू हैव टू मेक इट अ पावर. फॉर मेकिंग अ पावर एस यू पी 2 SUP क्लोज. उसके बाद प्लस क्योंकि कुछ भी आगे रेस टू पार नहीं है. तो जब आपको रेस टू पार बनाना है वी हैव टू यूज एस यू पी टैग दैट इज सुपरस्क्रिप्ट टैग. ओके ये सुपरस्क्रिप्ट की कोडिंग ही है. दिस इज अ कोडिंग ओनली और ये इसका आउटपुट है. ये मेरा आउटपुट आना चाहिए था. इस आउटपुट को अचीव करने के लिए मुझे ये कोडिंग करनी पड़ी है. ओके नाउ इफ आई वॉन्ट to display the result like this. आप साइंस में करते हो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO बेस में 2. तो कैसे लिखोगे इसकी कोडिंग अब. CO is normal text. 2 is base. तो बेस के लिए टैग is subscript tag SUB 2 SUB close. Clear? Superscript tag and subscript tag. Any doubt in these two tags? So we discussed P tag, bold tag, italic, underline, SUP, SUB. All these tags are clear. Any doubt to anyone? एक चीज में एक ही चीज होगी. अगर दो इकट्ठे भी आ रहे हैं तो फिर दोनों टैग्स इकट्ठे यूज कर दोगे. बस उसने यही ध्यान रखना है आपने कि जिस ऑर्डर में टैग ओपन हुआ है उसके रिवर्स ऑर्डर में टैग क्लोज होगा. ओके एनी डाउट बच्चे. एनीवन क्या. अच्छा कर लो. इसके बाद वी आर हैविंग हेडिंग टैग्स. हाँ The next are the heading tags which are used to give heading in the HTML document. Heading tags are used to give headings in the HTML document.
So there are six heading tags, H1, H2, H3, H4, H5, H6. Question likho. How many heading tags are there? Chalo, jab teacher aayenge, I will leave the class. Aap tab tak karo. How many heading tags are there? Six heading tags. There are six heading tags in HTML. Heading tags are used to give heading in the HTML document. Heading tags are container tags. ये सारे container tags हैं. Heading tag have only one attribute, align. इसका एक ही attribute है align. Align की तीन values हैं left, right and center. अलाइन की तीन वैल्यूज कौन सी हैं? लेफ्ट, राइट और सेंटर. बाय डिफॉल्ट लेफ्ट, जैसे टी में था सेम. बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज लेफ्ट. बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट इज लेफ्ट. एंड इफ यू वांट योर हेडिंग टू अपीयर इन द सेंटर, तो वी विल राइट एच वन अलाइन इक्वल टू सेंटर. देन यू विल राइट सम टेक्स्ट and then you will close the heading tag. Okay, H1 align equal to center, text डाला, H1 को close कर दिया. H1 की जगह पे H2, H3, H4, H5, H6 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं? Heading tags. The difference is H1 is the highest heading tag, H6 is the lowest heading tag. अगर आपको बहुत बड़ी heading देनी है तो H1 use करोगे, अगर आपको स्मॉल हेडिंग देनी है तो यू विल यूज H6. H1 सबसे ज्यादा, H2 उससे कम, H3 उससे भी कम, H4 और कम हो जाएगा, H5 H4 से कम हो जाएगा, H6 H5 से भी कम हो जाएगा. मतलब साइज चलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपका. टेक्स्ट की पोजीशन ही, टेक्स्ट को जैसे आप चार्ट के ऊपर हेडिंग लिखी हुई है आपने, ये हेडिंग के लिए डिफरेंट स्टेंसिल यूज करते हो, ऐसे ही हेडिंग के लिए डिफरेंट हेडिंग टैग्स हैं. कितना फॉन्ट साइज देना है वो हेडिंग के साइज पे डिपेंड करेगा. H1 सबसे बड़ा है, H6 सबसे छोटा है. सिंपली H1 टेक्स्ट, सिंटेक्स सेम ही होते हैं सारे टैग्स के. हाँ, एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स यू कैन एंटर, द टेक्स्ट मींस एंडलेस टेक्स्ट. नो नो, जैसे मर्जी दो. हाँ, पूरी ऊपर, अब वेब पेज के ऊपर पूरी आपने बोल्ड हेडिंग देनी है तो हम H1 से लगाएंगे. तो ठीक है, वी विल डू दिस प्रैक्टिकली टुडे.